हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपने आपका कीमती समय देने के लिए। और आप 6 साल से वृंदावन में रह रहे हैं, है ना, और लगातार आप भक्ति में लगे हुए हैं, बहुत सीरियसली आप भक्ति कर रहे हैं और मंगलारती आप कभी मिस नहीं करते। हर दिन बिना मिस किए आप मंगलारती करते हो, रोज सुबह सुबह उठ के, ठंड हो या गर्म हो, जो भी क्लाइमेट हो, आप कभी मिस नहीं करते। तो प्रभु जी आप थोड़ा सा बताइए मंगलारती, मंगलारती के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखो, जहाँ तक मंगलारती का प्रश्न है, मंगलारती से ही मंगल होगा। अच्छा। मंगलारती इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा। तो मंगलारती किसी भी कीमत पे जो है मिस नहीं होनी चाहिए। अच्छा। मंगलारती आपकी 365 के 65 दिन आपके प्रेजेंट ही होनी चाहिए मंगलारती में। ओके। 365 में अगर चार पाँच छः दिन इधर उधर हो सकता है, वो भी क्यों, क्या आप बीमार हो गए, बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए, तो 365 में 5-6 दिन आपके माइनस हो सकते हैं। बाकी 360 या 355 350 इतना तो प्रेजेंट ही चाहिए। जैसे हम कई कंपनी में जॉब करते हैं तो महीने में हम पूरा 30 दिन प्रेजेंट लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसे मंगला आरती को चाहिए भक्तों को कि 365 के 65 दिन प्रेजेंट लगाने की कोशिश करें। पर जो 365 चाहिए ही चाहिए। अच्छा। चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई मटेरियल तो हम भक्ति कोई मटेरियल तो है नहीं, स्पिरिचुअलिटी है जी। तो मंगला आरती के लिए अगर आपको 365 के 65 दिन आप प्रेजेंटी लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय बनना पड़ेगा। निश्चय बनना पड़ेगा। आपको थोड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे, थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कष्ट से बिना तकलीफ से भगवान किसी को मिले नहीं और मिलेगी भी। तो आपको अगर 365 के 65 दिन प्रेजेंटी मंगला आरती में लगानी है तो आपको थोड़ा जोश जुनून ले आना पड़ेगा, थोड़ा उत्साह ले आना पड़ेगा, है नहीं। तो आपको फिर 9 बजे सोना ही सोना है और 3 बजे से पहले उठना होगा। अगर आप 3:30 बजे उठ रहे हो तो फिर मंगला आरती भी सोने के चांसेस रहते हैं, तो क्यों ना मंगला आरती के लिए 3 बजे से पहले उठा जाए। ओके, 3 बजे से पहले उठो और मंगला आरती में फिर आप जब नहाए धोए निकलते हो मंगला आरती के लिए तो कैसे जाना चाहिए मंगला आरती में? मंगला आरती में ऐसे जैसे मरे हुए मूर्ति की तरह, झुके मुरझाए हुए फूल की तरह, जैसे बीमार हुए आदमी की तरह, ऐसे नहीं जाना है। मंगला आरती में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए, समय देखते हुए कि भाई कितना बज रहा है, मंगला आरती जा तो रहा हूँ बज कितना रहा है, मैं समय भी तो देखो। आप मंगला आरती के लिए निकले, आपका रूम कहाँ है, आपको प्रभात समाज तक जाने के लिए कितना समय लगेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप नहाए धोए मंगला आरती के लिए निकले और उधर मंगला आरती स्टार्ट हो गई और आप फिर जाके पहुँचे तो क्या फायदा। निश्चय करो ना कि इससे पहले कि 4 बज जाए मैं प्रभात समाधि में टच हो जाऊँ, इससे पहले कि गुरु अष्टकम प्रारंभ हो जाए मैं वहाँ पहुँचो। अब मंगला आरती स्टार्ट हो गई, गुरु अष्टकम स्टार्ट हो गया, फिर आप उसके बाद आप वहाँ पहुँच रहे हो तो ये तो सही नहीं है, है नहीं। आपको ये समझना चाहिए कि वहाँ प्रभा जी प्रेजेंट रूप में है, वहाँ प्रभा जी के पास एक प्रेजेंट ही बुक है, वहाँ आपकी प्रेजेंट ही होनी है। जैसे आपका ट्रेन है 4:10, आपको ये जाना है, आपका ट्रेन का समय 4:10, आप पहुंचे 4:11, ट्रेन तो निकल जाएगी, है नहीं जी। वो एक सेकंड भी रुक नहीं सकती, 4:10 जैसी होगी ट्रेन चली पड़ेगी। वैसे समझना है कि भाई जैसे 4:10 होंगे कृपा जी उनके पास जो प्रेजेंट बुक है वो क्लोज कर देंगे, तो जो 4:11 को वहाँ पहुँचेंगे तो बुक क्लोज हो गई तो अपना प्रेजेंट लगेगा नहीं। तो बेटर फिर ये इस बात को ध्यान में रखते हुए और ये समझते हुए कि कृपा जी वहाँ बैठे हैं प्रेजेंट रूप में, प्रेजेंटी बुक लेके बैठे हैं, वहाँ प्रेजेंटी हो रही है, कृपा जी हमें दिखाई मतलब वहाँ है, हमको समझ के चलना है, कृपा जी ऑलरेडी है वहाँ और प्रेजेंटी बुक लेके बैठे हैं, देख रहे हैं कि कौन 4 बजे आ रहा है, कौन 4 बजे से पहले आ रहा है, कौन कितने बजे आ रहा है, कृपा जी वहाँ बैठे हुए हैं। तो मंगला आरती में जो है इससे पहले कि 4 बज जाए पहुँच जाओ, या फिर 4:10 हो जाए पहुँच जाओ, 4:10 के बाद मंगला आरती में जाना ही नहीं है। तो निश्चय करना है कि भाई मुझे किसी भी कीमत पे इससे पहले कि 4 बजे, इससे पहले कि गुरु अष्टकम प्रारंभ हो जाए मैं वहाँ पहुँचाऊँ, तीसरा निश्चय करके मंगला आरती में जाना है। और जाना है तो मैंने पहले कहा कैसे जाना है, ऐसे मतलब केवल जाने के लिए जा रहे हैं निरुत्साहित, ऐसे इतना समूह करके कोई उत्साह नहीं, कोई चेहरे पे कोई तेज नहीं,
ऐसे नहीं, हंसते हुए आनंद आना चाहिए ना, हंसते हुए मुस्कुराते हुए समय देखते हुए भागते हुए इस तरह मंगला आरती में जाना है। तो मगर प्रभुपाद जी से किसी ने एक बार पूछा कि क्या प्रभुपाद जी हम मंगला आरती मिस कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जी हाँ कर सकते हो बट मरने के बाद। हरी बोल हरी बोल। प्रभुपाद जी कह रहे कि हाँ मंगला आरती आप मिस कर सकते हो बट मरने के बाद, का मतलब हुआ कि भैंस नहीं कर सकते। तो मंगला आरती किसी भी कीमत पे, जैसे प्रसाद मिस नहीं करते हम लोग, करते नहीं करते कभी प्रसाद मिस किया? तो प्रसाद मिस नहीं करते तो मंगला आरती मिस कर ही नहीं सकते। मंगला आरती मिस का मतलब क्या हुआ कि आप 4:11 को पहुंचे प्रभुपाद समाधि में, आप 4:12 को पहुंचे, 4:15 वो मिस हो गई मंगला आरती, स्टार्ट होगी ना वो मंगला आरती मिस होने का ये मतलब है। तो जैसे कि ट्रेन आपकी, मैंने कहा पहले ही कहा कि 4:10 को आपकी ट्रेन है, आप 4:11 को पहुंचे वहां तो ट्रेन तो निकल जाएगी, वो रुकेगी ही नहीं। वैसे प्रभुपाद जी आप रेजिडेंट बुक लेके बैठे हैं, जैसे 4:10 होंगे प्रभुपाद जी उस बुक को क्लोज कर देंगे। जी जी अब जो 4:10 से पहले वहाँ पहुंचा है उनका प्रेजेंट हो जाएगा, अब जो 4:10 के बाद जा रहा है उसका तो एबसेंट ही रहेगा, फिर वो आगे वो जो भी करेगा सारा श्रम ये केवल हो जाएगा। तो बेटर है कि 4 बजे से पहले प्रभुपाद समाधि में पहुंचा जाए, और जिसके पास जिसके अंदर जोश है, जुनून है, जिसके अंदर भक्ति है, वो तो किसी भी कीमत पे जाएगा, वो किसी भी, वो उसमें बड़ा इजी है, उसको पता है कि भाई मुझे 4 बजने से पहले समाधि में, प्रभुपाद समाधि में पहुंचना है, बड़ा आसान है, वो जाएगा डेली आएगा, 365 दिन वो 4 बजे से पहले ही प्रभुपाद समाधि में पहुंच जाएगा। अगर 3 बजे से पहले उठा है तो 4 बजे से पहले प्रभुपाद समाधि में पहुंचना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है। और इसके लिए फिर थोड़ा 3 बजे से पहले उठना पड़ेगा, है नहीं? और 3 बजे से उठने पहले मतलब जैसे कि 2:45 या फिर 2:30, अच्छा फिर 3 बजे लास्ट, 3 और 3 बजे के बाद सही है, मतलब सही। 3 बजे के बाद बहुत बड़ी रिस्क है, आप 3 बजे के बाद कोई 3:15 उठ रहा है, कोई 3:30 उठ रहा है, तो बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है, क्योंकि मंगला आरती का महत्व तो सब लोग जानती है, क्योंकि तो प्रभुपाद जी ने भी कहा कि नहीं मिस कर सकते। तो मंगला आरती से मंगल होगा ये तो बात, ये मतलब मंगला आरती से मंगल होने वाला है, तो मंगला आरती मिस नहीं करनी है, बस ये है। और जो नीचे व्यक्ति है वो तो मिस नहीं करेगा, जैसे मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, मेरा बढ़ाई करना गलत होता है, अपनी बढ़ाई करना मतलब मूर्खता है, या वो विस्तुल्य है, खुद की बढ़ाई करना, आपकी मैं अपना अपना प्रेरणा के लिए कभी बताना ही पड़ता है। तो बस दृढ़ निश्चय व्यक्ति पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जिसका निश्चय है, दृढ़ निश्चय करना है, निश्चय ही करना है कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे 4 बजे से पहले, या फिर 4 बजे तक, या फिर पूर्व अष्टक प्रारंभ होने से पहले मुझे वहां टच हो जाना है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा कि 4:15 हो गया फिर मैं वहां पहुंचा प्रभा समाधि में, नहीं, मंगला आरती में 4 बजे पूर्व अष्टक्रम प्रारंभ होने से पहले पहुंच जाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप मंगला आरती के बारे में बहुत कीमती समय निकाल के आप दर्शकों को बताएं, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।